जय श्री कृष्णा। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? इस वीडियो में सुनिए श्री कृष्ण के 14 रहस्यमयी तथ्य, जिन्हें जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ काला और कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। श्री कृष्ण का रंग ना तो काला और ना ही नीला था। यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफ़ेद मिश्रित रंग। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों को छुपाने का उपकरण में इस्तेमाल करते थे, और यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी, जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उबटन और इत्रादि का कार्य दिया गया, जिसके चलते उनको सैरंध्री कहा जाने लगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपी का चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसीलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कला विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत ही व्यथित हो गए थे और तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिए ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे, तभी जरा नामक एक बहेलिए ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुए में जाकर लगा, और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुड़ियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुश स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है
कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। जो भी हो, श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैं दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मैं दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही श्री राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारका को, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहां उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कलारीपयट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूड़ और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। दांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारीपयट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही श्री कृष्ण की नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सिखा रखा था। डांडिया रास इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना माना जाता था। श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रसव पास्त्र भी था, जो शिव, वसुगण और भीष्म के पास ही था। प्रचलित मान्यता के अनुसार कृष्ण ने आसाम में वाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। कृष्ण से प्रद्युम्न का और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा सोनितपुर के राजा वाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। वाणासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया। वाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव को उसके कारण श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। अंत में देवताओं के समझाने के बाद यह युद्ध रुका था। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र और दूसरे का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक और उनके अश्वों का नाम सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। कृष्ण के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियाँ थीं, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियाँ थीं। कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थीं, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। यह महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन तो किसी की पत्नियाँ थीं।
जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। ऋषि सांदीपनी को जब गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा गया, तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा ले गया है, आप उसे वापस ले आए तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को कई जगह ढूंढा और अंत में वे समुद्र के किनारे चले गए, जहां से उन्हें पता चला कि असुर उसे समुद्र में ले गया है, तो श्री कृष्ण भी वहीं पहुंच गए। बाद में पता चला कि उसे तो यमराज ले गए हैं। तब श्री कृष्ण ने यमराज से गुरु के पुत्र को हासिल कर लिया और गुरु दक्षिणा पूरी की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। जय श्री कृष्णा।